वेलकम टू माय चैनल सौरभ तिवारी व्लॉग। आज हम लोग बनाने वाले हैं चटपटा देसी चिकन, बहुत ही टेस्टी देसी चिकन। सबसे पहले आधा के जी प्याज और पाव भर टमाटर और पाव भर सरसों का तेल ले लेंगे। उसके साथ ही साथ चूल्हा में अपना आग लगा लेंगे और आग लगाने के बाद उस पर कढ़ाई धर के 200 ग्राम तेल डाल लेंगे और तेल को गर्म करके उसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को भूज भूज कर लाल कर देंगे ताकि प्याज का टेस्ट सही हो जाए। और प्याज लाल होने के बाद उसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट और फिर से उसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन का गमक चला जाए। उसके बाद डालेंगे अपना मस्त चिकन, चिकन को फिर पूरा अच्छे से भूजेंगे 5-6 मिनट तक। चिकन को अच्छे से भूनेंगे, चिकन को भून भून कर थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो उसमें डालेंगे अपना हल्दी। 2 स्पून हल्दी डालने के बाद उसको फिर अच्छे से चलाएंगे ताकि हल्दी अच्छे से चिकन में मिल जाए और उसको भी हम लोग 5-6 मिनट तक चलाएंगे ताकि चिकन का हल्दी पूरा एक दूसरे से मिक्स हो जाए। और 5 मिनट चलाने के बाद जब उसका पानी छोड़ देगा तो उसके बाद उसमें डालेंगे नमक और नमक डालने के बाद फिर से उसको 5-6 मिनट तक अच्छे से अपने छोलनी से चिकन को मिलाएंगे और अपना आँच पे भी ध्यान रखेंगे कि हमारा आँच बूते ना। और उसको अच्छे से मिलाने के बाद चिकन का कलर मस्त हो जाएगा पीला पीला और मन हो जाएगा हमारा गीला गीला। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टमाटर काट लेंगे, टमाटर के साथ साथ मिर्ची भी काट लेंगे। मिर्ची काटने के बाद धनिया पाउडर भी रखे हैं 200 ग्राम। मिर्ची को हम लोग अच्छे से पीस लेंगे, पीस के हरी मिर्च 15-16 ठो ले लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से तीखा लगे। और अच्छे से हम मिर्ची को पूरा मुंडी मुंडी पीस लेंगे। उसके बाद से मिर्ची को हम लोग डालेंगे चिकन के अंदर ताकि हमारे नाक से और कान से धुआं फेंकने लगे, चिकन इतना तीखा हो जाए। और इसको मिर्ची डालने के बाद भी चिकन को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद से मिलाने के बाद उसको 5 मिनट तक ढक देंगे। 5 मिनट ढकने के बाद अपना धनिया पाउडर को थोड़ा सा पानी में अच्छे से घोल लेंगे और इतना ही पानी लेंगे ताकि वो अच्छे से घुल जाए। अच्छे से उसको घोलने के बाद अपने धनिया पाउडर को हम लोग अपने चिकन में डाल लेंगे। 200 ग्राम धनिया पाउडर ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसको फिर अच्छे से धनिया पाउडर को चिकन में मिला देंगे यानी कि चिकन के उसको अच्छे से धनिया पाउडर को मिलाने के बाद उसका टेस्ट और उसका गमक हमारे दिल को सुकून पहुंचाएगा। अच्छे से उसको धनिया पाउडर को मिलाने के बाद हम लोग उसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन कढ़ाई में सटे ना। फिर उसके बाद हम लोग चिकन को 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद फिर थाली को हटा कर देखेंगे हमारा चिकन अच्छे से पका है कि नहीं। लेकिन हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक गया है दोस्तों, आप लोग को नज़र आ रही होगी कि हड्डी मांस से छोड़ दिया है। उसके बाद भी हम लोग चिकन को चलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन सटे ना कढ़ाई में। और इसके साथ ही साथ उसमें हम लोग डालेंगे चिकन मसाला। 3 पैकेट हमने चिकन मसाला डाला था क्योंकि हमारा चिकन का जो क्वांटिटी था वो 2 केजी था, इसलिए हमने 3 पैकेट चिकन मसाला लाया था ताकि हमारा चिकन का जो टेस्ट है और चिकन का जो गमक है वो शानदार हो जाए। 3 पैकेट चिकन मसाला डालने के बाद हमने उसको अच्छे से चिकन में मिलाया ताकि उसका सुगंध हमारे आस पड़ोस में चला जाए कि हमारे पड़ोसी में चिकन बन रहा है। तो वाकई में सच में शानदार गमक आ रही थी। उसमें हमने पाव भर टमाटर डाल दिया ताकि वो ग्रेवी का काम करे। टमाटर को हमने अच्छे से पकाया, उसको अच्छे से मिलाया और जब टमाटर जब पकने लगा धीरे धीरे वो पानी छोड़ने लगा। टमाटर से जो निकला हुआ पानी वो बहुत ही शानदार ग्रेवी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे भाई लोग। आप लोग भी इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब हमारा टमाटर धीरे धीरे गलने लगता है तो ग्रेवी का रूप धर लेगा। आप लोग साफ आप लोग को देखने को मिलेगा, हमने इसको 5-10 मिनट के ढक दिया और जब हम लोग उसको हटाए तो देखे कि वो ग्रेवी सच में ग्रेवी बन गया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है भाई वो ग्रेवी। थोड़ा सा उसमें पानी भी डाला ताकि हमारा ग्रेवी का क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ जाए और हम लोग थोड़ा चावल के साथ खाएंगे इसलिए ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और जो बचा खुचा होता है वो भी पक जाता है हमारा चिकन। हमने थोड़ा सा निकाल के टेस्ट किया कि हमारे चिकन में नमक या फिर और कुछ की कमी तो नहीं है। तो हम लोग टेस्ट किए तो हमें कोई भी उसमें कमी नज़र नहीं आई। तो हम लोग अपना चिकन फाइनली उतारते हैं और उतारने के बाद चिकन का जो सुगंध था ना भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम चिकन मसाला डालेंगे ताकि हमारे चिकन का जो
टेस्ट हो और कलर हो वो बहुत ही शानदार हो जाए और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग इस डिश को ज़रूर अपने दोस्तों को खिलाइएगा और अपने घर में भी ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चिकन तो बहुत ही शानदार बना है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा जिस जिस तरह से हमने बताया। और इसके साथ ही साथ हमारा चावल भी बनकर तैयार है और चावल हम लोग बासमती चावल लिया था ताकि वो बहुत ही टेस्टी लगता है हमें खाने में। और देखिए हम सर्व करके आपको दिखाते हैं कि चिकन कलर और जो चिकन है कितना शानदार लगता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा चिकन बना है। आप लोगों को अगर खाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।